हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद दोस्त अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक साथ दो परफ्यूम का रिव्यू। एक अपने पास सेट वेट सिग्नेचर आइस, दूसरा अपना सिग्नेचर फायर। दोनों ही जो परफ्यूम है अभी लेटेस्ट लॉन्च किए सेट वेट ने, और दोनों का कंपेयर वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है। समर का सीजन आ चुका है, कौन सा परफ्यूम आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा की फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है, हार्ड है, ठीक है ना। कंपेयर वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखो, पैकेजिंग वही है, सिमिलर सी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें कलर का फर्क है। ये फायर है, फायर का मतलब है आग, तो आग का जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। बर्फ का होता है थोड़ा सा नीला, तो वो थोड़ा बहुत इस पर बना रखा है। नीचे से बिल्कुल सेम ग्राफिक्स वगैरह वही है, 100 ml के दोनों रहने वाले हैं। बात करें प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग इन पे मेंशन है दोस्तों 599। देखो 599 में आप ये दोनों बाय कर सकते हो, क्योंकि इस पे इस टाइम पे 50% ऑफ है, ठीक है ना। 500-600 रुपये में आप ये दोनों प्रोडक्ट बाय कर सकते हो ऑनलाइन। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो दोनों के इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो। वीडियो को रोक के वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा के इनके जो इंग्रेडिएंट है वो रीड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। देखो लगभग सेम से जो इंग्रेडिएंट इसके रहने वाले हैं। और बात करें अंदर की पैकेजिंग की, तो अंदर से जो पैकिंग है वो थोड़ी सी अलग मिलेगी। आइस का जो दोस्तों जो है पैकिंग वो ब्लू मिलेगी, और इसका जो है वो हल्की सी रेड कलर की मिलेगी, जैसा कि हमने रिव्यू कर रखा है। और दोनों मैंने ये अपने पर्सनल यूज के लिए बाय कर रखे। देखो दोनों को ये पैकिंग ये रहने वाली है, और कलर का फर्क है, पैकेजिंग बिल्कुल सेम है। सेम जो है इनके दोनों के ये बॉक्स रहने वाले कंच के, ठीक है ना। ग्लास की बॉटल इन दोनों की रहने वाली है, और जो पैकेजिंग है इन कैप की वो भी सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की, कौन सा परफ्यूम लाइट है, कौन सा परफ्यूम मीडियम है, कौन सा परफ्यूम स्ट्रॉन्ग है। दोनों का मैं दोस्तों कंपेयर करके आपको बताऊं, तो आइस वाला जो परफ्यूम है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है एज कंपेयर टू फायर। और दोनों परफ्यूम दोस्तों दिन भर जो है एक दिन आपका बढ़िया निकाल देंगे, 10-12 घंटे जो है ना परफ्यूम जो है ये फ्रेगनेंस ये लॉन्ग लास्टिंग इतना देता आपको, ठीक है ना। इसकी फ्रेगनेंस दोस्तों थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फायर, हल्की सी कूलिंग फ्रेगनेंस जो इसकी रहने वाली है। बात करें फायर की, इसकी जो फ्रेगनेंस है हल्की सी स्पाइसी है, और मीडियम कैटेगरी की आप इसकी फ्रेगनेंस कह सकते हो, ठीक है ना। ये मीडियम कैटेगरी की फ्रेगनेंस का है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की फ्रेगनेंस का, अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा आपको यूज करना है। दोनों प्रोडक्ट मेरे हिसाब से पास है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया फ्रेगनेंस है, एकदम यूनिक कुछ अलग। और समर के सीजन के लिए जो है ना ये दोनों परफ्यूम काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं दोस्तों, अपने पैसों से मैंने इसको बाय किया है, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको बाय किया है, और इस वाले को मैंने अमेजोन से बाय किया है। फायर वाला फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आइस वाला अमेजोन से अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसे मैंने बाय किया है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं तो यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाय कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो सेट वेट के सिग्नेचर वाली जो सीरीज दो इन्होंने निकाली है, फायर और आइस, ठीक है ना। प्रोडक्ट मेरे हिसाब से पास है। ये थी दोस्तों सेट वेट सिग्नेचर आइस और फायर की कंपेयर वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना। अगर इन दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहते हो, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए मैं ऑन रखता हूँ, जो भी पूछोगे इसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।